हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में समझेंगे हम एक एसे को इंग्लिश में एसे कैसे लिखते हैं, समझते हैं। देखिए जो एसे है, इंग्लिश में एसे या आर्टिकल भी बोला जाता है इसको। इस आर्टिकल को या एसे को कैसे लिखा जाता है, किस तरीके से लिखते हैं, कैसा आता है एग्जाम में, इसको समझते हैं। तो लिखने की ट्रिक क्या है, ये जो एसे है माई ग्रैंड मदर पर है, माई ग्रैंड मदर पर है, दादी माँ बोलते हैं इसको। ओके, देखिए समझते हैं क्या है। माई ग्रैंड मदर का ऐसे है मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ध्यान से समझ लें इसको। कैसे इंग्लिश टू हिंदी में इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको पेपर में इसके क्लूज मिलेंगे। क्लूज का मतलब होता है दिशा निर्देश या फिर हेडिंग्स वगैरह जो होती हैं, क्लूज संकेत भी होते हैं। इंट्रोडक्शन, इसमें इंट्रोडक्शन आ जाना चाहिए इस थ्योरी में। अफेक्शनेट, उसका स्नेह आना चाहिए, स्नेह का मतलब होता है प्यार वगैरह। अब है हर डेली रूटीन, रोजाना का डेली रूटीन आ जाना चाहिए कि रूटीन क्या, उसका कैसा वो काम करती है। बींग ओल्ड, देखिए बींग ओल्ड का मतलब होता है बूढ़ा होने पर। एक्टिव, वो एक्टिव कैसे रहती है, हार्ड वर्किंग, वो मेहनत कैसे करती है, तो एक्टिव एंड हार्ड वर्किंग, इसमें ये दोनों वर्ड भी आ जाने चाहिए। अगर है हर फेथ, उसका विश्वास आ जाना चाहिए इन रिलीजन, इसमें धर्म के अंदर, तो धर्म के अंदर उसका विश्वास कैसा है वो बात भी इसके अंदर आ जानी चाहिए थ्योरी के अंदर। रेस्पेक्टेड बाई ऑल, सभी के द्वारा उसका सम्मान किया जाता है इन द लोकेलिटी, उसके निवास क्षेत्र में, तो ये बात भी इसके अंदर आ जानी चाहिए। तो लोड फिर जो हेडिंग्स हैं जो आपको पेपर में मिलेंगी वही आपको आंसर में लिखनी है बना बना के। देखिए आंसर देखें कि आंसर कैसे लिखेंगे। माई ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड मदर, मेरी जो दादी माँ है इज 80 ईयर्स, 80 साल की है। तो मेरी जो दादी है वो 80 साल की है, 80 साल की है, ओल्ड यहाँ पे उम्र को दिखाने हैं। बट परंतु हर फिजिक, उनका जो फिजिक है मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर जो है, मतलब बॉडी ठीक है, इज गुड, अच्छी है। सी लव्स अस, सी लव्स अस, वह हमसे प्यार करती है। देखिए ये सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता तो वर्ब में कौन आता, ऐसा आता है, तो कौन सा सेंटेंस है प्रेजेंट का, इंडेफिनिट। सी लव्स अस, वह हमसे प्यार करती है, कौन, दादी माँ। सी इज वेरी जेंटल, वह बहुत ज्यादा सीधी है, सभ्य है, सभ्य का मतलब होता है पढ़ी लिखी भी है और सीधी भी है, तो सी इज वेरी जेंटल, वह सभ्य है। सी गेट्स अप, देखिए सी गेट्स अप का मतलब होता है वह जल्दी उठ जाती है। ध्यान से देखें सारे के सारे जो सेंटेंस है ज्यादातर वो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में बना रखी हैं या फिर प्रेजेंट में बना रखी हैं। सी गेट्स अप, वह उठ जाती है, गेट्स अप का मतलब होता है उठना, अर्ली जल्दी से ही, तो अर्ली का मतलब होता है जल्दी, क्या होता है जल्दी होता है, और गेट्स अप का मतलब होता है उठना, कहां से, बिस्तर से, इन द मॉर्निंग, सुबह में, तो वह जल्दी उठ जाती है मॉर्निंग में, सुबह में। गेट्स फ्रेश, और क्या होती है, फ्रेश होती है, एंड वॉश नहाती है, फ्रेश का मतलब होता है ठीक, बॉडी को फ्रेश करना, वॉश होता नहाना। सी गोइज, वह जाती है फॉर वॉकिंग, घूमने के लिए, तो वह घूमने के लिए जाती है, देखिए फिर से प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, वह घूमने के लिए जाती है। सी हैज ग्रेट फेथ, सी हैज ग्रेट फेथ, देखिए हैज क्यों आया है, क्योंकि हैज आया पोजिशन के लिए, अधिकार के लिए, उसे है, क्या है, ग्रेट फेथ, पक्का विश्वास है, ये ज्यादा विश्वास है, फेथ का मतलब होता है विश्वास, उसे ज्यादा विश्वास है, किस चीज में विश्वास है अब बताएंगे। इन हर रिलीजन, उसके धर्म के अंदर, देखिए इसमें सारी बात आ रही है कि उसके धर्म के अंदर कैसा विश्वास है, वो कितना काम करती है, डेली रूटीन क्या है, प्रस्तावना क्या है, सारी बातें इसके अंदर आ रही है। तो यहाँ पर बोला गया कि सी हैज ग्रेट फेथ, उसे पक्का विश्वास है इन हर रिलीजन, अपने धर्म के अंदर, जो उसका धर्म है। सी हेल्प्स, वह मदद करती है, माई मदर, मेरी माँ की, तो दादी माँ है तो वो माँ की भी हेल्प करती है। सी हेल्प्स, वह मदद करती है, माई मदर, मेरी माँ की, इन हाउस होल्ड, घर के कामों के अंदर, हाउस होल्ड का मतलब घर के काम। कोर्स, सी क्लीन्स, वह साफ सफाई करती है, क्लीन्स का मतलब होता है साफ सफाई करना, तो वह साफ सफाई करती है। दी यूटेंसिल, बर्तन की, देखिए यहाँ पर जो बर्तन आए हैं, तो जो घर में बर्तन होते हैं उनकी भी साफ सफाई करती है, एंड वॉशिस, धोती है क्लोथ्स, कपड़ों को, तो वो कपड़ों को भी धोती है। 80 साल की होने पर भी इतनी फिट है कि वो ये काम कर पा रही है, कौन कौन से, कि बर्तन धोना, कपड़े साफ करना, इन सारे कामों को वो कर पा रही है। सी इज एक्टिव, वह एक्टिव रहती है, एंड हार्ड वर्किंग, और मेहनती है, हार्ड वर्किंग का मतलब होता है मेहनती, तो वह मेहनती भी है। सी इज रेस्पेक्टेड, उसका सम्मान किया जाता है, सी इज रेस्पेक्टेड, वाई, उनका सम्मान किया जाता है, ओके, तो फुल स्टॉप नहीं है, तो सी इज रेस्पेक्टेड, उसका सम्मान किया जाता है बाई ऑल इन द लोकेलिटी, इसके अंदर, निवास क्षेत्र के अंदर। तो देखिए ये वाली लाइन लास्ट में आ चुकी है,
तो शी इज रिस्पेक्टेड बाई ऑल इन द लोकेलिटी। तो आपको ये याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि पेपर मिलेंगे इसकी हेडिंग्स और उसी के आधार पर आपको ये बना बना के लिखना है, बस कुछ ही वर्ड जोड़ने होते हैं। तो इसके सारे के सारे बस आपको मीनिंग याद होने चाहिए फ्रेंड। अगर मीनिंग आपकी याद है तो आराम से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, और ट्रांसलेशन कर सकते हैं तो आप इसको बना के लिख भी सकते हैं। तो एक बार इसके मीनिंग याद कर लें। देखिए मीनिंग कैसे याद करेंगे उसको एक बार वो समझें। आपको जो मीनिंग याद करना है, इंट्रोडक्शन याद करना है, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है प्रस्तावना, अफेक्शनेट याद करना है, इसका मतलब होता है स्नेह या प्यार, हर डेली डेली होता है, रोजाना रूटीन होता है, रूटीन रोजाना का जो काम होता है, एक्टिव चालू होता है, हार्डवर्किंग होता है, मेहनती, हार्डवर्किंग क्या होता है, मेहनती होता है, आ गया हर फेथ, फेथ होता है विश्वास, रिलीजन होता है धर्म, रिलीजन क्या होता है फ्रेंड्स धर्म होता है, रेस्पेक्टेड होता है सम्मान, लोकेलिटी होता है निवास क्षेत्र जहां पर रहते हैं, ग्रैंड मदर दादी चल रही है यहाँ पे तो 80 ईयर्स की हो चुकी हैं, फिजिक, फिजिक का मतलब होता है बॉडी हेल्थ मतलब शारीरिक, शरीर कैसा है, और जेंटल सभ्य होता है, गेट सब होता है उठना, क्या होता है उठना, अर्ली होता है जल्दी से, और फ्रेश ताजा होता है वास होता नहाना, वॉकिंग होता घूमना, फेथ होता विश्वास, रिलीजियन, रिलीजन होता धर्म, क्या होता धर्म, हेल्प मदद करना हो गया यहाँ पे, हाउस होल्ड होते हैं घर के काम, एक्टिव होता चालू, हार्ड वर्किंग क्या होता मेहनती होता हार्ड वर्किंग, रेस्पेक्टेड होता सम्मान, क्या होता सम्मान, लोकेलिटी होती है निवास क्षेत्र जहां पर हम रहते हैं उसको लोकेलिटी कहते हैं। ओके तो सारे के सारे अगर मीनिंग आपको याद है तो आराम से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ओके चलिए, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।